अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदीन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब इंग्लिश में हम लर्निंग कर चुके हैं सिंगुलर एंड प्लूरल्स की। आज जो हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं या जो आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और इसके हम प्लूरल बनाएंगे और हम टेस्ट करेंगे कि हमने जो पिछले लर्निंग की है या पिछले हमने कंसेप्ट किए हैं या रूल्स फॉलो किए हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ आए हैं या नहीं। तो समझ लेंगे अब जो दो क्लासेस होंगी वो असेसमेंट क्लास है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इन वर्ड्स के साथ हमें कौन सा प्लूरल यूज होगा, एस वाला या ईएस वाला। बी यू एन, क्या बना? बी यू एन, तो इसकी प्लूरल क्या होगी? सोचें आप लोग अपने अपनी कॉपी में सोच के लिखिए, फिर यहाँ आप चेक करें कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। आप सारे वर्ड्स लिख लीजिए। बन, बेंच, फ्लैग, कैश, पीज, फैक्स, पॉन्स, टोमेटो, ठीक है। ये मैंने वर्ड्स आपके सामने रीड किए हैं, अब आप इसकी स्पेलिंग आपको नजर आ रही है, आप इसको लिख लीजिए और फिर आप जल्दी से ये असेसमेंट कीजिए, फिर यहाँ जब मैं करने लगूंगी तो उसको साथ साथ चेक कीजिए। तो जनाब पहला वर्ड है बी यू एन, बन, तो आपने ऐसे ही पूरा बन लिख दिया और फिर इसके लास्ट में आपने लगा दिया एस, बन, बंस। इसके बाद नेक्स्ट है बैच, बी एन सी एच, बैच। आपको पता है सी एच पे एंड हो रहा है, तो सी एच पे जब एंड होगा तो हमने क्या एड करना है? ई एस, बेंचेस। अच्छा जी, एफ एल ए जी, फ्लैग, सिंपल वर्ड है, फ्लैग को फ्लैक्स करेंगे हम, तो सिंपल है जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, तो हमने क्या करना है? ये एस लगा देना है, सिंपल। एफ एल ए जी एस, फ्लैग, एफ एल ए जी एस, फ्लैग्स। इसी तरह सी ए एस एच, कैश, सी ए एस एच, कैश। आपको पता है ना कि रूल क्या है? द रूल इज दैट कि एस एच इज द एंड ऑफ द वर्ड, देन वी एड ई एस, लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? ई एस, क्योंकि एस एच पे क्या हो रहा है? एस एच पे इस वर्ड की एंडिंग हो रही है, एस एच पे ये स्पेलिंग एंड हो रही है, तो हमने यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करना है? ई एस, कैश, कैशेस। तो रूल इज दैट कि द स्पेलिंग इज एंड एस एच, यानी एंडिंग साउंड क्या हो उसकी? एस एच हो, तो हमने प्लूरल के लिए क्या लगाना है? ई एस। इसी तरह पी ई ए सी एच, पीच। आप इसी तरह स्पेलिंग लिखोगे पहले पूरी पीच की, पी ई ए सी एच, पीच। अब बताएं आपने क्या लगाया है, आप सोचें आपने क्या लगाना है प्लूरल के लिए। जी जनाब, आपको पता है ना कि एंड किस पर हो रहा है? सी एच पर, तो सी एच पर एंड होगा तो हमने क्या लगाना है एडिशन? ई एस। आपको पता है ना ES रूल में यही है कि अगर स्पेलिंग के लास्ट में SCH आ गए तो हमने प्लूरल के लिए क्या ऐड करना है? ES। F A X, फैक्स, फैक्स ऐसे लिख दिया आपने, F A X, फैक्स। और जब हम इसकी प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? आपको पता है ना X पर जब वर्ड एंड होगा तो प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? ES, तो हम इसको ES लिख देंगे, फैक्सेस। अच्छा, पॉन्ड कोई ES वाला वर्ड नहीं है, सिंपल है, पॉन्ड, पॉन्ड, सिर्फ एस एड हुआ। टोमेटो, टोमेटोज, आपने क्या कर दिया? ओ के आगे यस लगा दिया, क्योंकि रूल इज दैट कि इफ द स्पेलिंग इज एंड ऑन द ओ तो वी विल एड ई एस। ओ पे एंड हो रहा है और ओ से पहले कोई भी वॉवल नहीं है। अभी मैं आपको कुछ वर्ड ऐसे भी सिखाऊंगी जो ओ पे तो एंड होगा लेकिन उसकी ओ से पहले वाला वर्ड क्या होगा? वो वॉवल होगा, तब भी हम ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ओ के बाद ओ से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो एक दफा इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। बन, बंस, बेंच, बेंचेस, फ्लैग, फ्लैग्स, कैश, कैशेस, पीच, पीचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, पॉन्ड, पॉन्ड्स, टोमेटो, टोमेटोस। आपने बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी या एक्सरसाइज या असेसमेंट अपने घर पे की होगी और यहाँ से मैच किया होगा, चेक कर लिया होगा। यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल ठीक किया होगा, क्योंकि यू आर द वेरी जीनियस। आप कोई भी लर्निंग करते हैं तो उसको आप अपने माइंड में रखते हैं। अच्छा, आज की क्लास का एंड करते हैं और जाने से पहले आपको बिल्कुल याद दिला दें कि आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दी महमूदीन एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।